आप सबका टीआरएलएसएस क्लासेस में स्वागत है और इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग डिफरेंशिएशन के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट बता दें कि वीडियो इसमें हम लोग जैसे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को सीखेंगे कि किस तरीके से करते हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को समझेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/2 x² - 1 है। इसको अगर हमको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है या फिर हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जैसे x का वैल्यू यदि हम लोग cos थीटा पुट कर देते हैं तो हम लोग के पास आइडेंटिटी है cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। cos 2 थीटा का वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है। cos 2 थीटा हमारा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा भी होता है। और cos थीटा अगर हो, जैसे जो भी एंगल है यहाँ हाफ हो जाता है, cos थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। अगर cos 4 थीटा है तो cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा होगा। ठीक है, तो हम लोग x इक्वल टू cos थीटा जैसे ही पुट करेंगे तो इसके जगह में हम लोग ये cos 2 थीटा हो जाएगा और 1/cos 2 थीटा जो होता है वो sec 2 थीटा होता है। तो यहाँ से हम लोग 2 थीटा आ जाएगा और थीटा जो है वो cos इनवर्स x है। और उसके बाद हम लोग यहाँ तक हम लोग अभी सिंप्लीफिकेशन ही किए और इसके बाद डिफरेंशिएशन किए। cos इनवर्स x का होता है -1/√1 - x² और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, इसको भी हम लोग इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे कि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स लॉग ए, लॉग एक्स का 1/x होता है। तो लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टी जैसे लॉग एक्स बेस ए, इसको पढ़ते हैं हम लोग लॉगरिथम ऑफ एक्स विथ बेस ए। जैसे लॉग एक्स बेस 2 है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं लॉगरिथम ऑफ एक्स विथ बेस 2। ln x अगर कहीं लिखा रहता है, ln x रहता है तो इसको हम लोग नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं और इसमें आपको बेस ई छिपा रहता है, मतलब आपको ये समझना यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, बेस ई लिखा हुआ है। ठीक है, ln x ई भी लिखा रह सकता है। ठीक है, उसके बाद लॉग में हमारे पास जैसे प्रॉपर्टी है कि आप किस तरीके से लॉगरिथमिक को इंडेक्स में कन्वर्ट करोगे। जैसे लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू एन है तो एक्स का वैल्यू आपका ए टू द पावर एन हो जाएगा। जैसे लॉग एक्स बेस 2 हमारा 4 है तो एक्स का वैल्यू 2 to the power 4 16 हो जाएगा। इसी तरीके से लॉग एक्स बेस 2 वैल्यू -1 है तो एक्स का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। ln x लिखा हुआ इक्वल टू y, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर बेस ई छिपा हुआ है इसलिए एक्स का वैल्यू हो जाएगा ई टू द पावर वाई। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ है लॉग के, जैसे कि लॉग एक्स की पावर एम हो तो एम लॉग एक्स हो जाता है, प्रोडक्ट में हो एम इंटू एन टू पी तो सम में कन्वर्ट हो जाता है, उसी तरीके से लॉग एम बाय एन है तो लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए हो जाता है। और लॉग ए बेस ए जो है वो 1 होता है, मतलब कि लॉग 2 बेस 2, लॉग 3 बेस 3, लॉग ई बेस ई ये 1 ही होता है ना, जहाँ पर ए जो है नॉट इक्वल टू 0 है और ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, लॉग ए बेस बी है तो आप इसको लॉग ए बेस सी बाय लॉग बी बेस सी भी लिख सकते हैं। लॉग 4 बेस 9 है तो आप इसको 4 बेस 2 9 बेस 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 5.4 का। जैसे वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स है तो सिंपल यू बाई वी करेंगे, ये आंसर हो जाएगा। ई की पावर साइन इनवर्स एक्स है तो सिंपल हमारा ये आंसर होगा, चेन रूल से कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ई की पावर एक्स की पावर 3 है तो ई की पावर एक्स की पावर 3 और 3x² होगा, तो चेन रूल का वाला डिफरेंशिएशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, वाई इक्वल टू साइन 10 इनवर्स ई की पावर एक्स है तो पहले साइन एक्स का कॉस के रूप में होगा, फिर 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा और फिर ई की पावर -x का -e^(-x) होगा। ठीक है, कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, जैसे ई की पावर एक्स का ए ई की पावर एक्स होता है, साइन एक्स का ए कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का -a sin x होता है,
तो आपको ये सब फॉर्मूला याद रखना है। जैसे अब आपको क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग कॉस ई टू द पावर एक्स, तो सबसे पहले इसका 1/x होगा, मैंने कॉस ई की पावर एक्स, कॉस का फिर माइनस साइन होगा और ई एक्स का ई एक्स हो जाएगा, ठीक है। और साइन बाय कॉस 10 होता है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन करना था, तो इस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 भी हम देख सकते हैं, पहले रूट एक्स का होगा 1/2 √x, फिर यहाँ ई की पावर रूट एक्स का ई की पावर एक्स, फिर रूट एक्स का 1/2 √x होगा। लॉग लॉग एक्स है तो इसको भी आप इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, 1/log(x) और फिर लॉग एक्स से 1/x, तो ये आंसर हो जाएगा। वाई इक्वल टू कॉस एक्स बाय लॉग एक्स है तो यू वाई वी रूल लगा के आप इस तरीके से आंसर ला सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं 10th नंबर, वाई इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स है, तो पहले चेन रूल से माइनस साइन हो गया और फिर लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर यू प्लस वी के फॉर्म में है, तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर दिए, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल एक्सरसाइज 5.5 देख सकते हो आप, जैसे कि वाई का वैल्यू कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x है, तो आप दोनों साइड लॉग ले लो, लॉग एम इंटू एन इंटू पी है, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी हो गया। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन किए, 1/y dy/dx हो गया, लॉग कॉस एक्स का 1/cos(x), कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया, और लॉग कॉस 2x का 1/cos(2x), फिर माइनस साइन 2x 2 हो गया। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा विथ सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद जैसे आपको एक्सरसाइज 5.5 लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब यूज़ करते हैं, जब भी हमारा फंक्शन वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल होता है, जैसे एक्स की पावर एक्स हो, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स हो, एक्स प्लस 1/x की पावर एक्स हो, लॉग एक्स की पावर एक्स हो, एक्स की पावर वाई हो, वाई की पावर एक्स हो, जब इस तरह का क्वेश्चन हो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल फॉर्म, तो हमको सॉल्व लॉग के हेल्प से ही होता है, ठीक है। जैसे y बराबर x की पावर x है, dy/dx निकालना है, तो दोनों साइड लॉग ले लिए, लॉग y हो गया, ये x लॉग x हो गया, फिर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/y dy/dx, और ये यूनिटी वी रूल लगेगा, और इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हम लोग सीखे। आई होप ये वीडियो लेक्चर्स आपके बेसिक्स को डिफ्रेंशिएशन के इम्प्रूव करेगा, और वीडियो लेक्चर्स आप लेकर अपलोड करेंगे, जिससे आपको मैथ्स लर्निंग में हेल्प मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।